मेरा दोस्त बीमार हो गया है, बट आज मैच है तो आज मैच देखने जाना है। आज डिसाइडिंग मैच है, अगर पोलैंड के अगेंस्ट नहीं जीतते तो रिस्क है वर्ल्ड कप में रहेंगे कि नहीं। सो आई एम होपिंग फॉर अ क्लीन स्वीप विक्ट्री, ताकि हमारा मैच अगला फ्रांस से ना हो, ऑस्ट्रेलिया से ही हो। सो लेट्स गो गाइस, इट्स टाइम। वैसे अभी 3:30 बजे मैच रात को 10 बजे, बट मैंने कुछ खाने जाना बाहर, कुछ खाया नहीं मैंने सुबह से। मैंने बस चीटोस खाए हैं और उससे पेट तो भर जाता है, उससे बहुत बड़े पैकेट होते हैं यहाँ पे, बट दैट्स नॉट फूड, आई नीड टू ईट सम फूड। तो मिलते हैं खाना खा के ब्रदर्स। तो अब मैंने दाढ़ी कर ली और मैं क्या ही लग रहा हूँ, बट चलो कोई ना। हाँ, अब दाढ़ी कर लिया है, अब नहाने जा रहा हूँ। बाकी नहाने से याद आया भाई, यहाँ पे ना हर एक चीज A1 है, सब कुछ A1। वे इसको कोई नहीं देखेगा, ठीक है, ऊपर टांगा और इंडियन, हर एक चीज A1 है यहाँ पे, एक्सेप्ट एक चीज के। ये जो यहाँ पे लगी है ना चीज, ये एक बारी गलती से मैंने लगा ली थी, मेरी पूरी स्कैल्प में ड्राइनेस, इचीनेस, हे भगवान क्या बताऊं। वो तो शुक्र है कि मैं अपने हेयर प्रोडक्ट साथ में लेके आया हूँ, अपना शैम्पू एंड कंडीशनर। और जो मैं शैम्पू और कंडीशनर लेके आया हूँ वो है मामाअर्थ का अनियन शैम्पू एंड कंडीशनर। तो ये जो अनियन शैम्पू एंड कंडीशनर लेके आया हूँ, इसमें है अनियन की गुडनेस। ओके, इससे अनियन की स्मेल नहीं आती। अनियन की गुडनेस से क्या होता है कि तुम्हारे जो हेयर फॉलिकल है उसमें तुम्हारी ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, ताकि तुम्हारी हेयर ग्रोथ बढ़े एंड हेयर फॉलिंग कम हो। अनियन के साथ शैम्पू में प्लांट केराटिन, जो 18 अमीनो एसिड से बना है, ये तुम्हारे बाल में मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है। साथ में जो कंडीशनर लेके आया हूँ उसमें अनियन के साथ कोकोनट भी है, तो कोकोनट करता है तुम्हारे बालों को नरिश, जिससे तुम्हारे बाल होते हैं सिल्की एंड स्मूथ। नाउ दिस शैम्पू आल्सो कम्स इन 600 ml पैकेज, वो मैं लेके नहीं आया क्योंकि बहुत ही बड़ा हो जाना था ट्रैवल बैग में। इन दोनों की एप्लीकेशन भी बहुत ईजी है, इट्स अ 2-step process। टेक अ कॉइन साइज अमाउंट शैम्पू, रब इट ऑन योर स्कैल्प, फॉर्म बनती है 22% मोर इवन विद नो सल्फेट्स एंड टॉक्सिन्स, एंड देन वॉश इट ऑफ। देन जरूर जितना कंडीशनर निकालो, थोड़ा मसाज करो अपनी स्कैल्प पे, एंड देन वॉश इट ऑफ। इसकी एक ही एप्लीकेशन के बाद तुम्हारे बाल सिल्की एंड स्मूथ हो जाते हैं। बाकी एवरी टाइम यू मेक अ परचेज फ्रॉम मामाअर्थ, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू प्लांट अ ट्री, और उनका गोल है 1 million tree लगाने का 2025 तक। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स ऑल मेजर प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, लाइक नाइका, एमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट, और मामाअर्थ की ऐप भी है बोथ iOS एंड प्ले स्टोर पे, जहां तुम्हें मिलेगी अर्ली सेल एक्सेस प्लस डिस्काउंट्स। सो क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू ऑर्डर फॉर योरसेल्फ टुडे एंड यूज द कोड sunray2022 फॉर 20% ऑफ। दिस कोड इज वैलिड फॉर बोथ ऐप एंड वेबसाइट। अब मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं इन स्टोर्स नियर यू, सो यू कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम द स्टोर एज वेल। जब नहा लिया और मैं बहुत ही अजीब लग रहा हूँ नहा के, और क्या बोलते हैं दाढ़ी काट के, अब ना मुझे पीनी है रेडबुल, तो मैं लेने जाता हूँ वो। एंड तुम लोग बोल रहे होगे भाई आपने तो सेम टी शर्ट डाल ली, मैं रात को भी नहा के सोता हूँ, सुबह भी नहा के उठता हूँ, ठीक है। तो सेम टी शर्ट डालने में कुछ नहीं है, सुबह उठ के डाली थी मैंने जाने के लिए, मैंने कहा ये डालूंगा फिर मैं भूल गया, ओह शिट अभी नहाया नहीं मैं। तो यस, अब नीचे जाते हैं, रेडबुल लेते हैं, पीते हैं। अभी टाइम पता क्या हुआ हुआ है, लिटरली देख लो 4:30 बजे यहाँ पे इतना अंधेरा होने लग पड़ता है, तो मैं शायद डिपिक्ट नहीं हो रहा, लेट मी टेल यू कितना अंधेरा, रुक एक्सपोजर में कर, इतना इतना अंधेरा हो चुका है यहाँ पे अभी भी, और अभी कुछ नहीं हुआ है, 5 भी नहीं बजे हैं ठीक से, काफ़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है यहाँ पे। वो रही शॉप, लेते हैं रेडबुल जाके। ओनली थिंग इज भाई, यहाँ पे रेडबुल मिलती है 10 कतरी रियाल की, एंड दैट्स लाइक 220 रुपये भाई। वो सोने, ओ हाँ सॉरी मून, मैं जो सर, ओ भाई क्लाउड कितना अच्छे लग रहे हैं, रुको भाई, ओ भाई आसमान तो बहुत ही सुंदर भाई, ओए हो क्या बात है। ये 5 बजे के हाल है, 5 बजे अंधेरा इतना, वाओ क्रेजी भाई। आई होप अर्जेंटीना आज भी जीत जाए यार, अभी खाएंगे कुछ और फिर चलते हैं मैच के लिए भाई। बहुत ही रात है आज, स्काई उधर भी अच्छा लग रहा है वैसे, रात को देखा कि ये हर जगह बॉल्स लगी हैं, जलती भी हैं, सुबह जलती नहीं है, आज पहली बार पता लगा जलती भी है। नाइस मैच है, तो फैन 15-20 मिनट हो गए, बस आ गई, नहीं ये भी नहीं है भाई, आज बस से नहीं आ रही, क्या बात है, मैच मैच कशिश चलना तो नहीं पड़ेगा वहाँ तक अगे भाई, पर आ ही नहीं रही है बस, पता नहीं सीन क्या है, लेट्स सी। फाइनली मिल गई बस, अब जा रही मेट्रो स्टेशन, फिर जाते स्टेडियम, फिर देखते क्या होता है आज, लेट्स सी। इतनी सारी बसेस खड़ी हैं, किसी बंदे ने स्ट्रेट स्टेडियम जाना है, बट भाई स्टेडियम जाके मज़ा नहीं आता, जो मेट्रो में वाइब बनती है ना, बंदे जाते हैं जो फुल एंथम उन्थम गा के, अपने चैंट्स गा के, वो फीलिंग नहीं है बस में। बस में भाई पिछली बार हमारा एक्सपीरियंस बहुत बैड हो गया था, जो दोस्त साउथ इंडियन अंकल ने पूरी बस डिक्टेट कर दी थी कि भाई तू हमारे जैसे चलेगा, तो हमने बोला नहीं भाई हम नहीं जा रहे, अब सर सिर्फ जाएंगे मेट्रो में, चाहे खड़के जाएं मैं पूरे रास्ते। हाँ गाइस बताना भूल गया, आज फाइनली एक न्यू स्टेडियम में जा रहे हैं हम, स्टेडियम 974, देखते हैं वहाँ का एटमोसफेयर कैसा है।
और मुझे ये पता लग चुका है कि लुसेल सबसे अच्छा स्टेडियम दिखता है। हम पहले स्पॉइल्ड हो चुके हैं, लेट्स सी यहाँ का क्या एनवायरनमेंट है। बशरब इज नॉट बैड एट ऑल, नाइस एरिया, फुल ट्रैफिक है यहाँ पे, कम्प्लीटली ऑपोजिट जो हम घूम रहे हैं अभी एरिया के। पहले हमें नेपाल ने इतने दुख दर्द दिए, बट आज हम नेपाली रेस्टोरेंट में गए भाई, क्या फूड था भाई। पहली बार हमने इंडियन टाइप स्पाइसी फूड खाया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी नूडल्स थी, बहुत अच्छे मोमोज थे भाई, दिन बन गया। चलो एक एक तरफ से मार पड़ी नेपाल से, दूसरी तरफ एटलीस्ट फूड तो अच्छा है यहाँ पे और चीप भी था भाई बहुत। अब जा रहे हैं मैच की तरफ, लेट्स सी भाई, लेट्स सी, नहीं आज जीतना है भाई, कम ऑन अर्जेंटीना। अपने इंडियन भाई बंधु भी बहुत है वैसे, सच बोलूं ना बहुत आए हैं भाई। ये स्टेडियम ऑल्सो लुक्स अनरियल, थोड़ा छोटा है उससे लुसेल से, बट स्टेडियम ही काफी छोटा है, इसमें तो मुझे लगता है एक ही ब्लॉक होगा ऊपर बैठने का। स्टेडियम के बाहर अब तो ओके ही लग रहा है स्टेडियम, लिटरली ऐसा लग रहा है। अच्छा L2 ओके, हमें पता भी लग जाएगा कहाँ बैठना है, और अभी 2 घंटे हमारे पास बिफोर किक ऑफ। पर चलो बाहर भी कुछ करने को नहीं, और सू बहुत आ रहा है, और वॉशरूम अंदर ही होता है तो अंदर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फ्लैग ले सकते हैं, कशिश हम आजा भाई आज ले लें, हम देखते हैं अगर इनके पास अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंटीना खत्म हो गए, सिर्फ पोलैंड के हैं इनके पास। ना भाई ना, पोलैंड का नहीं उठा रहे हम फ्लैग, ठीक है, क्योंकि यूज़ केस ही नहीं है, जब हिलाने ही नहीं, जब क्या करना फिर। ऐसे लग रहा है सच में इसकी हालत, मैं 5 दिन में खड़के रेडी कर दिया भाई, एक स्टेडियम चाहिए। कार्गो ही ऐसा लग रहा है, शिपमेंट हुई। हाँ इफ़ यू सी हर जगह की शिपमेंट, ऐसा लग रहा है शिपमेंट बॉक्सेस हैं, नाइस। हाँ मुझे याद आया इसका यही था, स्टेडियम की थीम ही यही है, कार्गो शिपमेंट्स, यस कूल चीज़ भाई, कूल तो काफ़ी अच्छा बनाया उसके हिसाब से। आज की सीट में तो बॉल पड़ेगी मुंह पे, मैं दिखाता हूँ कैसे नहीं पड़ेगी मुंह पे बॉल, ये रहा गोल, ये हमारा मैच तो पड़ेगी बॉल सबसे पहले ब्लॉग में, आज तो सेलिब्रेशन में आएंगे हम भाई। स्टेडियम इज वेरी स्मॉल, लाइक एक ब्लॉक ऊपर है बस, और छोटा ऊपर, और ये बस खत्म ब्लॉक, बट इतना पास है मेसी भाई, आज तो और क्लियर दिखेगा मेसी। ये 0.5x था, ये है 1x, अब पता लग रहा है कितना क्लोज हूँ भाई, क्रेजी आज, आज तो क्रेजी भाई, क्रेजी फ्यूज होगी। गाइस 2 घंटे पहले अंदर हुई है, मत सोचना मैच खाली जा रहे हैं। अब रियलाइज किया कि मैं भाग के मेसी को जब भी पा सकता हूँ, ये तो मैंने अब रियलाइज किया भाई। बट नहीं भाई, मुझे ब्लॉक नहीं होना भाई, मैं चाहता हूँ मैच खेले, मैं ऑफसाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मुझे बैरिकेड दिख रहा है आगे, मुश्किल है थोड़ा जंप करना। आज अगर मेसी की चड्डी नहीं दिखी ना भाई, फिर क्या ही हुआ है, आज तो देख के आएंगे, पर पूरा हाफ करके देखना पड़ेगा, मुझे लगता है यहाँ पे बैठ सकता हूँ। इज राइट हियर मैच, क्रेजी भाई क्रेजी, आज भूल ही गया, आज तो लेवेंडोव्स्की भी दिखेगा भाई खेलता हुआ फाइनली, मैं बाकी देख ले कैसा लगता है खेलता है। रोनाल्डो तो चलो पता नहीं दिखने को मिलेगा कि नहीं, मैं सीटों पे खड़े होकर मैच देखना पड़ेगा, कोई बैठ ही नहीं रहा है, कोई बैठ ही नहीं रहा नीचे भाई, खड़े हो गए होगा मैच मैच सीट पे वो भी ऐसे। ओ बेंच पे खड़ के गेम देखनी पड़ रही है, क्योंकि भाई बैठ रहे हैं ये सगे वाले। चलो भाई ना, इंजॉयबल है भाई बहुत पास से, तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट देखने तो गया रेफरी। मेसी मार दियो बैंड गल भाई, कम ऑन मेसी, मिस नहीं करनी मेसी, कम ऑन, मैच रिकॉर्ड वैसे ही अच्छा नहीं है मेसी, कम ऑन राइट मारेगा मेसी, हमारे इधर ही मारेगा।
टाइम स्कोर इज निल निल, मैसी ने मिस की पेनल्टी भाई, क्या ही बोले लड़के को। चलो नेक्स्ट आप देखते हैं भाई, विन करना है वरना क्वालिफाई के लिए दूसरे मैच पे रिलाई करना पड़ेगा। बट आज के मैच में मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था भाई, आज आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि वाओ कि अर्जेंटीना इज गना वेन। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या होता है राउंड ऑफ 16। मैं आज आवाज़ भी नहीं तो नहीं गई, आज चिक्के नहीं मारी मैंने ज़्यादा आज, क्योंकि पता था ना जीतने वाले हैं। मैक्सी वाले मैच में बटी हुई थी, बढ़िया मैच तो आसानी से जीत गए। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी देखते हैं क्या करना है हमने, मुझे लगता है घर ही जाएंगे, काफ़ी लेट हो गया वैसे भी। एंड बग्रैक्स टू पोलैंड एज वेल, एंड करके क्वालिफाई।